वेलकम बैक जी के इलेक्ट्रिकल चैनल और पार्ट टू में स्वागत है। तो जैसे कि मैंने दिखाया था, देखो 12 इंच का और 2 इंच वॉइस कोयल में, तो वॉइस कोयल में जो हमने लगाई है ग्लू वगैरह, देख लो फिनिशिंग क्या है। तो अब इसको पहले मैंने बिगर विदाउट कैविटी इसको साउंड टच छोटी सी क्लिप दिखाई थी, तो इस वीडियो में इसको हम अपने इस कैबिनेट में सेट करके दिखाएंगे। कैबिनेट इसके हिसाब से थोड़ा गहराई और होनी चाहिए थी, बट 1 फुट इनफ, मतलब काम चल जाएगा हमारा अच्छा खासी बेस के लिए। तो इसको इसके अंदर ही फिट करेंगे, तो प्लस माइनस का खास ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और बताऊँगा तो वीडियो के साथ बने रहे अंत तक, जो कि बहुत काम की होगी और बहुत ज़रूरी होती है वो, कि आपका स्पीकर प्लस माइनस पोलरिटी क्यों ज़रूरी है, कि जो प्लस है उसको प्लस में लगाया जाए, वो चीज़ क्यों ज़रूरी होती है, तो उसको भी बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहे अंत तक, तो वो जब चीज समझा दूंगा प्लस माइनस हमारी क्यों जरूरी होती है वायर कनेक्शन के टाइम पर, कि प्लस माइनस हमारी जरूरी क्यों होती है, कि प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस लगाया जाए। सबसे पहले हम इसको सोल्ड कर लेते हैं तार को छील के, और इसको मैं जरा इसके ऊपर रख लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। कैमरा को सेट कर लेता हूँ ताकि मैं भी इसमें दिखाई दूँ अच्छे से। अभी एक और मेरे पे 10 इंच का लगा है, मेरे पीछे दिख रहा होगा आप सबको, तो उसको भी बांधेंगे, उसको सब बांधेंगे साउंड के हिसाब से। ये जो मैंने बांधा है इसमें से मुझे सिर्फ बेस चाहिए, क्योंकि साउंड के लिए मेरे पास 10 इंच के 2 हैं, तो मुझे फिलहाल सिर्फ बेस और बेस ही चाहिए। तो बेस के हिसाब से मैंने इसको बांधा है, और जो अगला स्पीकर बांधूँगा वो सिर्फ साउंड के लिए मानूंगा, कि मेरे को मिड बहुत अच्छी मिले, मेरे को मिड बहुत प्यारी मिले, उस हिसाब से मैं बांधने वाला हूँ अगली बार। तो ये रहा प्लस को प्लस और माइनस को माइनस में लगाने का कारण बताता हूँ। क्या होता है, कुछ लोग चाहे वो प्लस हो या माइनस हो कोई चीज़ नहीं देखते, डायरेक्ट बस स्पीकर की वायर लगा देते हैं और चलाने लगते हैं, लेकिन इससे स्पीकर पे बहुत ज़्यादा आपके स्पीकर पे और साउंड पे फर्क पड़ता है। तो फर्क ही बताऊंगा मैं कि वो फर्क क्या होता है। तो वीडियो के साथ, अगर वीडियो बने हो तो वीडियो के साथ बने रहे, और जो हमने स्पीकर बांधा था ये है उसका पार्ट टू। तो प्लीज़ अगर पार्ट वन नहीं देखा होगा उन्होंने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो को, वहाँ जाके देख सकते हैं। और स्पीकर देख लेते हैं हमारा बिल्कुल फिट होता है या नहीं। उससे पहले इसमें एक गांठ मार दो या टेप लगा दो, ताकि वायर हमारी खींचे ना स्पीकर की बाहर की तरफ से, ठीक है। यदि स्पीकर पे वैसे तो इसमें सॉकेट लगने चाहिए, बट अभी सॉकेट नहीं है, तो अभी सिर्फ ऐसे ही साउंड टेस्ट करा देता हूँ मैं। वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन काफ़ी कमाल की बात होता हूँ कि प्लस और माइनस क्यों होना चाहिए, प्लस और माइनस की लगा होनी चाहिए, और इसकी साउंड कैसी आएगी। वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी, बट अभी थोड़ी सी इसमें काम भी होगा, तो काम वो सब फिट करके जब दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें समय वेस्ट होगा, तो वीडियो को रोक के बस इसको बिल्कुल फिट कर लेता हूँ और फिर दिखा देता हूँ। तो अभी इसके स्क्रू निकाल लेता हूँ मैं, फिर कहाँ पे स्क्रू लगा, क्योंकि ऊपर से वो लगा दिए ना हमने, इन लोग क्यों हो गया। इसमें इसके स्क्रू लगा लेता हूँ जल्दी जल्दी।
रागिस की साउंड टेस्ट करा था ना, तो स्क्रू लगा के सीधा इसकी साउंड टेस्ट कराता हूँ। तो अभी लगा दिए इसके हमने सारे पेच, और थोड़ा सा बस टाइट कर लेता हूँ, और जब मैं इसको उठाऊंगा तो कुछ इस तरीके का इसका लुक निकल जाएगा। तो मैं बता रहा था कि कोइल प्लस माइनस में क्यों लगानी चाहिए, तो मैं कोइल से पहले वो समझा देता हूँ, फिर इसके साउंड टेस्ट कर लेना होगा। जब हम किसी कोइल की प्लस में प्लस और माइनस में माइनस स्पीकर की एम्पलीफायर की जब आउटपुट लगाते हैं ना, तो जब प्लस में प्लस होगी, मान लो कि आपकी कोइल बिल्कुल मैग्नेट से मिलकर लगी है, और प्लस प्लस में माइनस माइनस में जब लगेगी तो कोइल हमारी ऊपर की तरफ होके साउंड करेगी, तो साउंड अच्छा आएगा। और जब पोलरिटी जब गलत हो जाएगी तो ये नीचे की तरफ साउंड जाएगी, और जो मैग्नेट की जो वार्सल है और जो मैग्नेट की जो वार्सल है उससे नीचे जाती आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है ख़त्म हो जाएगा और साउंड फट जाएगी। तो इसी को कहते हैं साउंड ब्रेकिंग। जब साउंड ब्रेक हो जाती है तो उसी को सरल भाषा में साउंड आवाज़ फटना कह देते हैं। तो ये है प्लस प्लस में लगना चाहिए माइनस माइनस में। तो साउंड टेस्ट करा देता हूँ मैं, और एनसीएस का गाना चला लेता हूँ मैं, तो सिर्फ यही स्पीकर चलेगा और कोई नहीं। Play by USB drive. आवाज़ फट रही है उसका कारण यह है कि जो ये 250 वाट का स्पीकर है, जो आउटपुट निकल रही है वो सिर्फ 90-80 वाट के आसपास, यानी 100 प्लस 100 वाट वाले पे चलाया, तो 100 वाट का ही इसमें आउटपुट जा रहा है, उसमें भी सिर्फ 80 वाट ही इसके अंदर जा रहा हूँ। तो इस वजह से जो है इसकी साउंड फट रही है। बाकी इसको प्योर ऐसे ऐसे दो बना के पैरेलल में आप 500 वाट 600 वाट की एम्पलीफायर पर बड़े इजीली चला सकते हो और बहुत अच्छा साउंड मिलेगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, पार्ट टू साउंड टेस्ट। और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पर लाइक कर देना, और आगे वीडियो देखने के लिए ताकि सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आपको मिले, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग जी के इलेक्ट्रिकल्स।